दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर निबंध विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए 9 बजे सुबह क्लास लाई जाती है हिंदी साहित्य की, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता किस विधा को मिली है। वह विधा आपके लिए बताना है कौन सी वह विधा थी, नाटक लेखन, निबंध लेखन, उपन्यास लेखन या फिर कहानी लेखन। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। नीता कुमारी जी, क्या होगा सही आंसर? भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता मिली है तो किस विधा को मिली है, बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि वह विधा है कौन सी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 20 सही आंसर होगा, निबंध लेखन। निबंध लेखन विधा को भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता मिली है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है, बताइएगा। जनक पूछा है भारतेंदु को या फिर प्रताप नारायण मिश्र को, प्रेमघन को या फिर बालकृष्ण भट्ट को। 2 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, प्रीति जी, प्रियंका जी, कंचन जी, छवि जी, ममता जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 में चयन कीजिएगा सही आंसर, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है, तो आप सभी का यहाँ पर 2 में सही आंसर है विकल्प नंबर D यानी कि बालकृष्ण भट्ट को। किन के लिए? बालकृष्ण भट्ट जी के लिए माना है। विकल्प नंबर आपका 4 जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। बाल मुकुंद गुप्त ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु ने, प्रताप नारायण मिश्र ने। ये 3 विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया है शुभम जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में विकल्प नंबर C सही आंसर है भारतेंदु। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किसने लिखा है, भारतेंदु जी ने लिखा है। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतेंदु युग निबंधकार नहीं है, नहीं बताना है आपके लिए। बालकृष्ण भट्ट नहीं है, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 4 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? भारतेंदु युगीन निबंधकार नहीं पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 4 में विकल्प नंबर आपका D सही आंसर होगा, बाल मुकुंद गुप्त। क्या है सही आंसर? बाल मुकुंद गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर D, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि घूरे के लत्ता बी ने कनातन की डौल बांधे, निबंध किसका माना जाता है। अपन ने इसको याद किया था, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है, बालकृष्ण भट्ट का निबंध है, प्रेमघन का निबंध है या राधा चरण गोस्वामी का निबंध है। 5 में घूरे के लत्ता बी ने कनातन के डौल बांधे, निबंध किसका माना जाता है। और 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है, घूरे के लत्ता का भी क्या होता है, प्रताप होता है, प्रताप। तो ये जो है प्रताप नारायण मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर 1, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनीता जी, मुस्कान जी, दीपक जी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंध किसका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा गया, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये निबंध किसका माना जाता है। तो 6 में आप सभी का
विकल्प नंबर सी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सी यानी कि बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर तीन जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है भव निबंध के लेखक कौन मानी जाती है। साथ में आपको बताना है सरदार पूर्णसिंह है, बालकृष्ण भट्ट है, या फिर अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं भव निबंध पूछा है, अगला विकल्प आपका क्या पूछा दिया गया है यहाँ पर, प्रताप नारायण मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, भौं निबंध अपन ने पढ़ा है कई बार, अगर कुत्ता जो है भौं कर दे तो उसका क्या होता है, प्रताप होता है, प्रताप, डर जाते हैं लोग, तो प्रताप होता है, तो प्रताप से क्या हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जो सी जो है यहाँ पर वह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है आठवा क्वेश्चन है, मारेसी मोही कुंठाब एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। बाबू गुलाब राय हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, सरदार पूर्णसिंह हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, बताइए। मारेसी मोही कुंठाब एवं कछुआ धर्म ये निबंध विधा की रचनाएं मानी जाती हैं और इसके लेखक कौन माने जाते हैं, तो सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर आठ में, डी सही आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्या सही आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध माने जाते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, ये निबंध किसका है, बताइए। नौ में साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, निबंध किसका माना जाता है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर नौ है, चार विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, बी यानी कि बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर दो यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 10 पूछा गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध अर्थशास्त्र पर आधारित है, अर्थशास्त्र पर आधारित निबंध बताना, 10 में रसज्ञ रंजन है, कवि कर्तव्य है, संपत्ति शास्त्र है या फिर साहित्य सीकर है, 10 का सही आंसर चयन कीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध अर्थशास्त्र पर आधारित है और 10 में आप सबका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि संपत्ति शास्त्र। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, बालमुकुंद गुप्ते के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए, वह पत्रिका आपके लिए बताना है, भारत मित्र है, हिंदी प्रदीप है, ब्रह्मांड है या फिर हरिश्चंद्र मैगनीज है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर, बालमुकुंद गुप्ते के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं, तो 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 11 में विकल्प नंबर एक सही आंसर है भारत मित्र, भारत मित्र आपका यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, 12वां क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। माधव प्रसाद मिश्र हैं, सरदार पूर्णसिंह हैं, बालमुकुंद गुप्त हैं या फिर बाबू श्याम सुंदर दास हैं, बताइए। आराधना जी, मनीषा जी, साधना जी, क्या होगा सही आंसर, चार विकल्प दिए गए हैं, कई बार अपन ने निबंध पढ़े हैं और आचरण की सभ्यता पूर्ण है और मजदूरी और प्रेम भी पूर्ण चाहिए, मजदूरी और प्रेम भी पूर्ण चाहिए, तो मजदूरी और प्रेम जो है ये जो है माने जाते हैं सरदार पूर्णसिंह की, पूर्णसिंह क्या हो जाएगा, पूर्णसिंह है, तो विकल्प नंबर आपका बी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 13 पूछा गया, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन माने जाते हैं, 13 में आपके लिए चयन करना है, बालमुकुंद गुप्त हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, 13 में चयन कीजिएगा सही आंसर, ये चार विकल्प हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है शिव शंभू के चिट्ठी के लेखक कौन माने जाते हैं, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर 13 में सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त माने जाते हैं विकल्प नंबर 1, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया जिया जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 11, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं? ये हास्य व्यंग माना जाता है, बताइएगा, श्रीलाल शुक्ल का है, गोपाल प्रसाद व्यास का है, या फिर अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है रविंद्रनाथ त्यागी या हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी, तो आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है वह सही आंसरों का हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? ये आपके लिए बताना है 15 में। गुलाब है सुगंध का प्रतीक, कला और संस्कृति का प्रतीक, राजतंत्र का प्रतीक, या फिर पूंजीवाद का प्रतीक, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 15 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि गुलाब जो है ये प्रतीक है कला और संस्कृति का। किसका? कला और संस्कृति का। विकल्प नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है, सरदार पूर्ण सिंह व्याख्यात हैं, बताइएगा, सरदार पूर्ण सिंह ने कितने निबंध लिखे हैं ये भी आपके लिए कमेंट में बताना है। और ये व्याख्यात हैं किस के रूप में? कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में, या फिर व्यंग्यकार के रूप में? 16वां क्वेश्चन है और 16 में आप सभी का यहाँ पर राबिता जी, पुष्पा जी, आरती जी सही आंसर चयन करना है सभी के लिए, बताइए, सरदार पूर्ण सिंह जो है ये व्याख्यात है किसके रूप में? एक निबंधकार के रूप में। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बताइए, संपत्ति शास्त्र के श्रीधर पाठक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या इनमें से कोई नहीं है? 17वां क्वेश्चन है और अपन ने इसको पढ़ा भी है, अभी पढ़ा था कि संपत्ति शास्त्र के लेखक माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 18वां क्वेश्चन कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम आपके लिए बताना है, क्या माना जाता है, बताइएगा, चिंतामणि, झरना, आंसू, या फिर कामायनी? 18 में चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताना है, क्या नाम है? तो आप सभी का 18 में सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 सही आंसरों का, रमा जी, पिंकी जी, चिंतामणि। चिंतामणि आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर, जो कि सभी लोगों को पता है, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है, ये यहाँ पर निबंध संग्रह दिए गए हैं अज्ञेय के, बताइएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अज्ञेय के निबंध संग्रह ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 में आपका डी सही आंसर होगा, आत्मनिपद, उसके बाद लिखी कागद कूरे, अद्यतन, और कहाँ है द्वारिका, ये डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है, यहाँ पर निर्मल वर्मा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 पूछा गया है और 20 में आपका सही आंसर क्या होगा, तो और विकल्प आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं, देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों में से तो नहीं है और यहाँ पर बताइए, इनमें से बताना, इन दोनों में से बताना कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर लगा दें, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर 20 में सी सही आंसर है, शब्द और स्मृति और कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए और शताब्दी के ढलते वर्षों में, विकल्प
विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 21, चिंतामणि भाग एक का प्रकाशन कब हुआ, ये आपसे पूछा गया, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। हाँ, 1930 ईस्वी है, 1939 ईस्वी है, 1935 ईस्वी है, 1938 ईस्वी है, बताइए। चिंतामणि भाग एक का प्रकाशन बताना है, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 21 में विकल्प नंबर क्या होगा, सही आंसर बी सही आंसर है, यानी कि 1939 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 1939 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है कि चिंतामणि भाग चार के संपादक हैं, भाग चार के संपादक आपसे पूछा गया है, बताइए क्या होगा सही आंसर। सभी लोग चयन कीजिएगा और लाइक अवश्य करते जाइएगा, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लें। और चिंतामणि भाग चार के संपादक आपसे पूछा गया है तो वह माने जाते हैं कौन, तो 22 में आपका विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा, कुसुम कुमार कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश सिंह, तो ये वाला विकल्प जो है बी वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 23, ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, 23 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। चतुरसेन शास्त्री हैं, सरदार पूंसे हैं, बाबू गुलाब राय हैं, यशो पूजन सहाय हैं, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, अपर्णा जी जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ठलुआ क्लब ये निबंध पूछा गया है और 23 में सी सही आंसर है, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय का माना जाता है विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध निराला का नहीं है, नहीं पूछा गया है, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, या फिर संकल्प, या फिर प्रबंध पद्म, 24 में चयन कीजिएगा कौन सा निबंध निराला का नहीं पूछा गया है आपसे श्रीकांत जी, तो आप सभी का सही आंसर है सी यानी कि संकल्प, संकल्प होगा यहाँ पर सही आंसर 24 में सी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, संचारणी निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, लाइक अवश्य करते जाइएगा, और बहुत सारे लोग जुड़ नहीं रहे हैं इस क्लास में, सभी लोग जुड़िएगा, सुबह 9 बजे आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होती है, और संचारणी निबंध पूछा गया है ये श्याम सुंदर दास हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, शिव पूजन सहाय हैं, गुलाब राय हैं, तो 25 में आप सभी का सही आंसर होगा बी सही आंसर है, शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, संचारणी निबंध के लेखक पूछा गया है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 26वां क्वेश्चन, मेरी असफलताएं निबंध किसका है, बताइए, निबंध माना जाता है मेरी असफलताएं पद्मसिंह शर्मा का निबंध है, शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है, गुलाब राय का निबंध है, सरदार पूंसे का निबंध है, 26 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर, बताइए हरीश जी, तो मेरी असफलताएं निबंध किसका माना जाता है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर जो सी है, गुलाब राय, वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, गुलाब राय आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कविता क्या है, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर अगला विकल्प यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी या संपूर्णानंद, 27 में आपके लिए चयन करना है, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्या होगा 27 का सही आंसर, तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है संपूर्णानंद, संपूर्णानंद कविता क्या है निबंध के लेखक आपसे पूछा गया है, संपूर्णानंद माने जाते हैं विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा निया जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आत्माराम की टैंटें निबंध के निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं,
बताइएगा क्या होगा सही आंसर, गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर बाल मुकुंद गुप्त। आत्माराम की टैं टैं निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 28, और 28 का सही आंसर होगा विकल्प डी, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 29 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, निबंध किसका माना जाता है। 29 में आपके लिए चयन करना है, यशपाल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, या फिर हरिभाव उपाध्याय। 29 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, निबंध किसका माना जाता है, और 29 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा, ये भी निबंध माना जाता है, किनका निबंध है बताइए। विक्रमोर्वशी की मूल कथा पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 है, और 30 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा, यानी कि हरिशंकर परसाई। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, तो हरिशंकर परसाई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्या होगा सही आंसर 30 में बताना है। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का यहाँ पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है सही आंसर, बिल्कुल सही। यहाँ पर डी नहीं होगा सही आंसर, तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 पूछा गया, अशोक के फूल, यह निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। अशोक के फूल, ये आपके लिए बताना है, ये निबंध है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपके लिए बताना है। और आप सभी का यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताना है, तो अशोक के फूल निबंध के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सेन दिनकर, या रामचंद्र शुक्ल। तो 31 में आप सभी का सही आंसर है, क्या है सही आंसर, विकल्प नंबर बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक में हजारों फूल फूलते हैं, तो हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी और अशोक के फूल, ये इनका निबंध माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, गांधीवाद की सौ परीक्षा निबंध संग्रह किसका माना जाता है। 32 में आपके लिए चयन करना है, जैनेन्द्र हैं, लीला चंद जोशी हैं, यशपाल हैं, या फिर माधव प्रसाद मिश्र हैं। बिल्कुल दीपक जी, उस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 देख लें पहले क्या होगा सही आंसर। गांधीवाद की सौ परीक्षा निबंध संग्रह किसका माना जाता है, तो 32 में आपका सही आंसर है सी, यानी कि यशपाल। क्या होगा सही आंसर, यशपाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। महादेवी वर्मा ने किस निबंध में भारतीय नारी की समस्याओं को लेकर लिखा है, वह निबंध आपके लिए बताना है, श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा, साहित्यकार की अवस्था, या फिर संलिप्तता। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और महादेवी वर्मा ने किस निबंध में भारतीय नारी की समस्याओं को लेकर लिखा है। 33 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, श्रृंखला की कड़ियां। महादेवी वर्मा की ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 27, 27वां क्वेश्चन ये आपका कैसा हो गया है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, ये पूछा गया था आपसे, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध माना जाता है, गलती से आपके लिए यहाँ पर डी बता दिया है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 27 का सुधार लीजिएगा।
विकल्प नंबर आपका क्या सही आंसर, बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध आपके लिए बताना है, बताइएगा। इसको तो अपन याद भी किया था, सभी लोग चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार माने जाते हैं, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय। 34वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, और 34 में अपन ने क्या याद किया था कि अपन नाखून हजारों बार काटते हैं फिर भी बढ़ते हैं, हजारों बार काटते हैं तो हजारों से हजारों, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या काटते हैं, नाखून। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून से नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है इनका निबंध माना जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चक्कर किला में निबंध किसका माना जाता है, बताइएगा जैनेन्द्र का है, यशपाल का, गुलाब राय, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी का है। चक्कर किला में बताना है निबंध किसका माना जाता है। 35वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और 35 में आप सभी लोग सही आंसर चयन कीजिएगा और लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। और 35 में सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी यानी कि यशपाल। यशपाल आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर दो, यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह जैनेन्द्र का नहीं है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है, जड़ की बात, बसंत आ गया, साहित्य का श्रेय और प्रेय, या फिर काम प्रेम और परिवार। 36 में आपके लिए चयन करना है, 36 का सही आंसर क्या होगा बताइए, कौन सा निबंध संग्रह जैनेन्द्र का नहीं बताना है। तो नहीं में तो आपका सही आंसर होगा मोहित जी, विशाल जी, क्या होगा सही आंसर, 36 में विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर यानी कि बसंत आ गया, ये जो है जैनेन्द्र का नहीं माना जाता, ये निबंध विकल्प नंबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बसंत आ गया, इसके लेखक कौन माने जाते हैं, ठूठा आम निबंध संग्रह किनका है, बताइए, भगवत शरण उपाध्याय, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद, सदगुरु शरण अवस्थी, या फिर परशुराम चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 37 पूछा गया है, 37 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है, टूटा आम निबंध संग्रह किसका माना जाता है, और 37 में आप सभी का यहाँ पर उमेश जी सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, भगवत शरण उपाध्याय, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर लगा दें, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 38 पूछा गया है, शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, 38 में आपके लिए चयन करना है, सदगुरु शरण अवस्थी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, कुबेरनाथ राय हैं, या संपूर्णानंद हैं। 38 में चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य और समाजवाद निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, तो 38 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर संपूर्णानंद आपका सही आंसर होगा। शिक्षा का उद्देश्य जो है संपूर्ण हो गया, जो शिक्षा का उद्देश्य था समाज की सेवा करना वह संपूर्ण हो गया, तो शिक्षा का उद्देश्य और समाजवाद और ये जो है संपूर्णानंद की रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, नए पुराने झरोखी 39वां क्वेश्चन है, निबंध किसका माना जाता है, श्रीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, या फिर विद्या निवास मिश्र। 39 में चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, नए पुराने झरोखी निबंध किसका माना जाता है, और 39 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि निबंध माना जाता है किनका, तो बिल्कुल सही, 39 में आपका विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, सी सही आंसर, नए पुराने झरोखे, ये हरिवंश राय बच्चन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, हरिवंश राय बच्चन आपका सही आंसर लगा दें, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है, मध्यकालीन प्रेम साधना के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा आपका यहाँ पर दिया गया है, 40, और 40 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, कविता जी। मध्यकालीन प्रेम साधना के लेखक बताने, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, परशुराम चतुर्वेदी हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, या फिर यहाँ पर मुक्ति बोध हैं।
तो 40 में आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही आंसरों का मध्यकालीन प्रेम साधना, इसके हो जाएंगे परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी आपका यहाँ पर 40 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, मध्यकालीन प्रेम साधना के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सॉरी ये भी आपका यहाँ पर गलती हो गया, विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर, मध्यकालीन प्रेम साधना जिसके जो है लेखक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका विकल्प नंबर एक जो है वह आपका सही आंसर। नहीं, यहाँ पर निबंध पूछा है, वो तो इनकी एक आलोचनात्मक रचना मानी जाती है, ये निबंध है। तो परशुराम चतुर्वेदी आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा अंश जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, साहित्य देवता निबंध संग्रह किसका माना जाता है। 41 में आपके लिए चयन करना है, नीलाचंद जोशी या फिर यहाँ पर नरेश मेहता, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा आपका सही आंसर। सोदाल यहाँ पर विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर ये वाला जो है भाई आपका सही आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, साहित्य देवता निबंध संग्रह किसका माना जाता है। 40वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 40 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, सॉरी 41 में सही आंसर क्या होगा आपका, कि साहित्य देवता जो है साहित्य देवता को माखन खिलाओ तो माखन से माखनलाल चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये जो है इस बुक में आंसर जो है बहुत सारे गलत दिए गए हैं जिस बुक से यहाँ पर अपन अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 42 पूछा गया है, कुछ उतले कुछ गहरे निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपके लिए चयन करना है, बताइएगा शिव प्रसाद मिश्र हैं, बाबू गुलाब राय हैं, इलाचंद जोशी हैं, विनय मोहन शर्मा हैं। 42 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर, कुछ उतले कुछ गहरे नीतू जी। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है 42 में विकल्प नंबर आप सभी का बी सही आंसर होगा, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय आपका यहाँ पर विकल्प नंबर दो जो है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 43 पूछा है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपसे 43 पूछा गया है, 43 में आपको इन तीन ही विकल्प में से ही चयन करना है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा बताइए। सुनैना जी लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लीजिएगा। नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्काई, जिंदगी लहलहाई, बाजे पाइलिया के घुंगरू, विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है। विष्णु प्रभाकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामविलास शर्मा हैं, नेमी चंद्र जैन हैं। 44 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, यानी कि दिनकर। दिनकर आप सभी का यहां पर सही आंसर है, दिनकर आपका यहां पर सही आंसर लगा दें, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रामविलास शर्मा के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो रामविलास शर्मा के निबंधों का बताना है तो सही अनुक्रम और विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बन नहीं रहा आपका। तो डी वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर है, प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और आस्था और सौंदर्य, ये वाला विकल्प आपका जो डी है भाई आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 पूछा गया है, डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ। 40 में आपके लिए चयन करना है, बातों का संग्रह, आस्था और चरण, बातों की चरण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या
क्या होगा सही आंसर बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? 40वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर लगा देते हैं। आस्था और चरण ये जो है सही आंसरों का विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही मधुर जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। रेखाएं बोल उठी डॉक्टर रघुवंश इनका निबंध संग्रह है, गुलाब राय, देवेंद्र सत्यार्थी या धर्मवीर भारती। 47 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। रेखाएं बोल उठी, अपन ने इसको याद भी किया था और आप सभी का सही आंसर है कि रेखाएं सत्य बोल उठी, रेखाएं सत्य बोल उठी। तो सत्य से सत्यार्थी आपका सही आंसर होगा, देवेंद्र सत्यार्थी जिन्होंने विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। खरगोश के सींग निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? 48 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। केशव धर शर्मा है, प्रभाकर माचवे हैं, श्री अमृतलाल नांगर हैं या अमृत राय हैं बताइए क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा। खरगोश के सींग ये निबंध किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 48 में विकल्प नंबर जो बी है भाई आपका सही आंसर होगा, यानी कि प्रभाकर नाचबे। खरगोश के सींग जो है माच खरगोश के सींग नाचबे गए हैं, नाचबे से माचबे आप जो है याद कर सकते हैं, प्रभाकर माचबे। बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका बी जो है भाई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि अफलातूनों का शहर, मृण्यलता का वक्तव्य निबंध संग्रह किनके माने जाते हैं? मृण्यला लिखा है, मृण्यला का वक्तव्य निबंध संग्रह किसके हैं? गोपाल प्रसाद व्यास के हैं, देवेंद्र सत्यार्थी, केशव चंद्र शर्मा या फिर मोहनलाल गुप्त क्या होगा सही आंसर जल्दी से बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 49 और 49 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। 49 में आपका विकल्प नंबर जो सी है वह सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर केशव चंद्र शर्मा आपका सी वाला विकल्प सही आंसर होगा। भोला पंडित की बैठक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? 50वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा सी आर रामचरण गुप्त हैं या फिर विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेर नाथ राय हैं या फिर बरसानी लाल चतुर्वेदी हैं बताइए। संध्या जी क्या होगा सही आंसर। भोला पंडित की बैठक निबंध संग्रह एक इनका माना जाता है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर होगा डी वाला विकल्प, बरसानी लाल चतुर्वेदी। बरसानी लाल चतुर्वेदी भोला पंडित की बैठक में सभी जो है चतुर चतुर लोग आए, चतुर से क्या हो जाएगा चतुर्वेदी, बरसानी लाल चतुर्वेदी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? 51 में आपके लिए बताना है, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, धर्मवीर भारती हैं या गुलाब राय हैं या फिर दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 51 में आप सभी का सही आंसर है धर्मवीर भारती। क्या है सही आंसर? धर्मवीर भारती आपका संजू जी सही आंसर होगा। ठेले पर धर्म का जो है हिमालय है, ठेले पर धर्म का हिमालय है तो धर्म से धर्मवीर भारती आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न यहाँ पर पूछा गया है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम यहाँ पर चयन करना है 52 में। तो देखिएगा यहाँ पर 52 में आपके ये विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इन तीन विकल्प में से ही चयन करना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। ये आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं ए, तो इनमें से आपको बताना है कि विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध माने जाते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 53 रामदर्श मिश्र कृत बबूल और कैक्टस में कैक्टस किसका प्रतीक है? 53 में आपके लिए चयन करना है ग्रामीण चेतना का या फिर यहाँ पर सामाजिक चेतना का, पूंजीवाद का या फिर आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का बताइए। मनीष जी क्या होगा पायल जी सही आंसर, चयन कीजिएगा।
नामदृशकृत माना जाता है, इन्हीं का माना जाता है बबूल और कैक्टस में। कैक्टस किसका प्रतीक है ये आपसे पूछा गया है, तो आप सभी का सही आंसर होगा 53 में क्या होगा सही आंसर डी, यानी कि आधुनिक आंतरिक सभ्यता का विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, तो इस प्रकार के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए लाइव क्लास लाई जाती है सुबह 9 बजे। अब अगली क्लास MPGK की होती है, अगर जो भी MPGK से संबंधित MP से संबंधित हैं तो हाँ मोहित जी, तो यहाँ पर MPGK की क्लास भी होती है 2 बजे, उसके बाद शाम को 4 बजे आपके लिए लाया जाता है हिंदी साहित्य, शाम को 7:30 बजे सामान्य हिंदी और रात में 10 बजे हिंदी साहित्य। इतनी सारी क्लास हैं सभी के लिए फ्री लाई जा रही हैं, सभी लोग जुड़िएगा। पायल जी, रतिपाल जी, शिल्पा जी, मनीषा जी, दिनेश जी, अनीता जी, पिंकी जी, आराधना जी, साधना जी, दीपक जी, नीता जी, सुनैना जी, अनीता जी, रीमा जी, अपर्णा जी, वंदना जी, राबिता जी, मोहित जी, प्रियंका जी, अंश जी और प्रीति, बघेल जी, मधुर जी, हरीश जी, साधना जी और संध्या जी, रतिपाल जी, हाँ आज लेट हो गए हो, रीता देवी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजू जी, इसी तरह से रोज सभी के लिए जुड़ना है। शिल्पा जी, कंचन जी, रोज आपके लिए लाइक शेयर सभी लोग करते जाइएगा। मधुर कुमार जी, रोज अपनी ये क्लासें चलती हैं। मनीषा जी और साधना जी, कंचन जी, संध्या जी, वंदना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रीमा कुमारी जी, अंश जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी और नीतू गुप्ता जी, विशाल जी, हरीश जी, सभी